अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी, और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान में चना चाट जो है वो हर घर में ज़रूर बनता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँ। चना चाट बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिए हैं चने, और चने जो हैं वो मैंने 1 कप ले लिए हैं और उसे मैंने बॉईल कर लिया है, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर जो है वो दही फुल्कियाँ भी ले ली हैं 1 बाउल, और इसे भी जो है वो मैंने पानी में रख दिया था और ये फूल गई हैं। अब उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 1 अदद खीरा, उसे बारीक चॉप कर दिया है। 1-2 अदद मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और उन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, 1 अदद मैंने प्याज लिया है, उसे मैंने जो है दोनों को चॉप कर लिया है। 1 बाउल मैंने दही ली है, मैंने यहाँ पर जो है वो 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पर जो है वो इमली का रस लिया है, और मसालों में मैंने यहाँ पर जो है वो चाट मसाला, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और धनिया और पुदीना ले लिया है। तो चलें जी, अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लेना है 1 बाउल, और उसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं चने। चने शामिल करने के बाद अब हम इसमें जो है वो मिक्स कर देंगे टमाटर। ये मैंने 1 अदद टमाटर लिया था और उसे मैंने चॉप कर लिया था बारीक, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है खीरा। खीरा भी मैंने 1 ही अदद लिया था, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। उसके बाद हम इसे जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही फुल्कियाँ। और अब मैं इसके अंदर जो है वो आलू शामिल कर लूँगी। ये मैंने जो है वो आलू 2 अदद ले लिए थे और इन्हें बॉईल कर लिया था, और इसे जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर जो है वो इमली का पानी डाल दूँगी, इमली का रस जो है। देन उसके बाद अब मैं इसमें जो है वो हरी मिर्ची शामिल कर लूँगी और अच्छे से जो है वो इसे मिक्स करूँगी। अब हम इसके अंदर जो है वो सारे मसाले एक साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने चाट मसाला, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। ये आप अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं, जितना आप कम रखना चाहें या ज़्यादा रखना चाहें, आप अपने हिसाब से इन मसालों को ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से अब हम इसे करेंगे मिक्स। अब मैं इसके अंदर जो है वो 1 बाउल दही ऐड कर दूँगी, और दही ऐड करने के बाद अब हम दोबारा से जो है वो इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब मैं इसके अंदर जो है वो धनिया और पुदीना ऐड कर दूंगी। अगर किसी को धनिया और पुदीना नहीं पसंद चाट में, तो वो जो है वो ये स्किप भी कर सकता है, लेकिन अगर आप शामिल करें तो ये बहुत ही अच्छा है, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो आप जो है वो इसे शामिल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से जो हैं वो मिक्स हो चुकी हैं, और ये दिखने में बहुत ही यमी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मसालेदार बनी है चाट। तो अब हम जो है इसे डिश आउट कर लेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना मज़े का आया है, और दिखने में भी मज़े की है, और खाने में भी ये इतनी ही मज़े की होगी। तो आई होप आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।